अमेरिका ने भारत से आने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% आयात शुल्क 9 मार्च को बढ़ा दिया है। इस वजह से भारत पर 24 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,650 करोड़ रुपए का सालाना बोझ बढ़ गया है। भारत हर साल 10,000 करोड़ रुपए का स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को निर्यात करता है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज के बयान पर विवाद नहीं थम रहा। बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गढ़वा के नजदीक मंगलवार शाम नक्सलियों ने लैंडमाइन स्पोर्ट कर पुलिस की गाड़ी उड़ा दी, फिर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें झारखंड जगुआर फोर्स के 7 जवान शहीद हो गए तो 4 जवान जख्मी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन वोहरा ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में भारत नंबर 1 पर है। आतंकवाद से प्रभावित अफगानिस्तान और युद्धग्रस्त सीरिया दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में पाकिस्तान नंबर 6 पर है जबकि अमेरिका 10वें नंबर पर है। यह दावा थॉमस राइटर्स फाउंडेशन की ओर से सर्वे में किया गया है। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में पहली बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल ऑडिट ट्रेल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आगामी चुनाव में नई वर्जन M3 की EVM और वीवीपैट का इस्तेमाल होने जा रहा है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के कई स्थानों पर मंगलवार को शुरू हुई वर्षा का दौर बुधवार को भी जारी रहा। बसवाड़ा में पिछले 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है तो जयपुर में बीती रात से रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। आज भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 60 को निफ्टी 35 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। वही BSE में EID पैरी तो NSE में एक महिंद्रा टॉप गेनर है। आज भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। इंग्लैंड टूर से पहले भारत का यह महत्वपूर्ण मैच माना जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कल अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में अपना स्थान निश्चित किया है।